मना करके जाना हा। नॉस्टैल्जिया फील करने का टाइम चल रहा है। पहले आई थी गदर 2, अब आ चुकी है खिचड़ी 2। पहले इसका टीवी शो आया करता था बहुत साल पहले, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने हमने कभी ना कभी फैमिली के साथ बैठ के इस टीवी शो को एंजॉय जरूर किया है। अब उसके बाद इसकी मूवी भी आई 2010 में, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। और वो मूवी भाई पर्सनली मैं बताऊँ ना, उसका ह्यूमर भरी बचकाना जरूर था लेकिन ना भाई वर्क करता था। और आज 2023 में भी ना वो मूवी जब भी टीवी में आती है ना, मैं उसको देखता ही हूँ। स्पेशली उस फिल्म का कोर्ट रूम वाला जो सीन था ना भाई, वो क्या जबरदस्त सीन था। मतलब राइटिंग देख लो, कैरेक्टर स्पेशली ना, इस टीवी शो ले लो, मूवी ले लो, उसके जो कैरेक्टर्स है ना, हंसा का, प्रफुल का, वो उसकी जान है भाई। ये ऐसे कैरेक्टर्स है जो पब्लिक के मन में बस चुके हैं, पब्लिक इनको देखती है, ये कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, ये उन मूवीज में से आती है। अब इसी मूवी का एक सीक्वल आ चुका है 13 साल के लंबे टाइम के बाद, खिचड़ी 2, जिसका मैंने लेट नाइट शो देखा और भाई पूरा हाउसफुल था, पूरी फैमिली लगाए हुए थे। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, आपको देखनी चाहिए मूवी को, नहीं देखना चाहिए, कितनी अच्छी कितनी बुरी है सब कुछ बताने वाला। पर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने की, सो लेट्स स्टार्ट। अब इस फिल्म का जो ट्रेलर आया था ना, वो मुझको ठीक लगा था, मुझको टीवी शो अच्छा लगा था और फिल्म तो मुझको टीवी शो से बेहतर लगी थी। लेकिन ट्रेलर जो इसका आया था ना, समझ में आ चुका था कि यार ह्यूमर ना ऐसा होगा कई जगह वर्क करेगा और कई जगह इरिटेट भी कर सकता है, जो पीजे जोक्स बोलते हैं ना वो भी लग सकता है। और जो स्टोरी के बारे में तो क्या ही बोलूं, ट्रेलर से मालूम चल चुका था कि भाई कोई भी इसको उसकी स्टोरी के लिए देखने नहीं जाने वाला है, कैरेक्टर्स के लिए देखने जाने वाला है। और मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा ना, बिल्कुल ऐसा ही रहा है। अगर आपको खिचड़ी मूवी पसंद आई थी, खिचड़ी टीवी सीरीज आपको पसंद आई थी, आपने उनको फॉलो किया था, उन कैरेक्टर्स को आप पसंद करते हो ना, तो ये मूवी डेफिनेटली आप वन टाइम वॉच के हिसाब से एक बार फैमिली के साथ थिएटर में जाकर एंजॉय कर सकते हो। इसकी जो दुनिया है ना, अगर उसमें आपको फिर से एक नॉस्टैल्जिया वाला फील लेना है ना, तो हाँ ये मूवी डेफिनेटली आपके लिए बनी हुई है। इसके जोक्स फर्स्ट हाफ में स्पेशली काम कर जाते हैं, बहुत सारे जोक्स ऐसे भी है जो पकाऊ जोक्स लगते हैं, आपको रिपीटेड लग सकते हैं, बहुत ही बचकाने लगते हैं, लेकिन यही तो खिचड़ी का ह्यूमर होता है। मैं पर्सनली इस फिल्म को इसके कैरेक्टर के कारण देखने के लिए गया था। जो अजीबोगरीब, जो विचित्र से कैरेक्टर इस फिल्म में है ना, वो पर्सनली ना मुझको सभी कैरेक्टर्स पसंद है, स्पेशली जो हंसा का कैरेक्टर है ना, और जिस तरीके से सुप्रिया पाठक जी ने इसको प्ले किया ना भाई, शुरुआत से लेकर अंत तक आप देख लो, इतना समय बीत चुका है पर कहीं पर भी ना वो फोर्सफुल नहीं लगता है। और सिर्फ सुप्रिया पाठक जी की बात नहीं है, जो भी कैरेक्टर्स फिल्म में है, चाहे वो प्रफुल का हो, हिमांशु का हो, इवन जो बाबूजी बनते हैं, हर एक कैरेक्टर ना कोई भी एंगल से फोर्सफुल नहीं लगता है। जो मैजिक पहले क्रिएट वो करते थे, आज भी वही मैजिक बरकरार रखा है उन लोगों ने। तो ये ना इस फिल्म की इन कैरेक्टर्स की जीत है मेरे हिसाब से तो, और यही कारण है कि पब्लिक ना इस फिल्म से जुड़ पाएगी। तो मूवी एक बार देखने लायक है, वन टाइम वॉच के हिसाब से आप देख सकते हो। अगर आपको खिचड़ी मूवीज पसंद आई थी, खिचड़ी का टीवी शो आप देखते आ रहे हो, तो ये आपके लिए देखने लायक है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है गलती से, जो शायद ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी गलती से अगर आपने नहीं देखा है ना, तो ये मूवी भाई आपके लिए एक टॉर्चर भी साबित हो सकती है। यानी कि इसके जोक्स आपको बिल्कुल वर्क नहीं करने वाले हैं और आप तो फर्स्ट हाफ में बोर हो जाओगे इसका। फिर भी ना अगर उनके लिए मैं बोलूं कि जिन लोगों ने नहीं देखी है खिचड़ी का टीवी शो मूवी, तो उनके लिए फर्स्ट हाफ भी असहनीय हो जाएगा, बल्कि इसका फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ के मुकाबले। तो पकाऊ जोक्स भी हैं बहुत सारे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, यही तो खिचड़ी का मजा है। तो यही था मेरा रिव्यू इस फिल्म के लिए, खिचड़ी 2, जो मेरे लिए तो वन टाइम वॉच लगी है, क्योंकि मैंने खिचड़ी को पहले देख रखा था, मुझे मालूम था कि इसका कॉमेडी का स्टैंडर्ड या फिर कॉमेडी किस तरह की इसमें होने वाली है। बाकी काम तो भाई सभी का A1 ही है, बताने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी कुछ कुछ सरप्राइजिंगली वाले कैमियोज भी है जो ट्रेलर में बता दिए गए थे, प्रतीक गांधी का है, फराह खान का है, और दोनों को देखना अच्छा लगा मुझे, स्पेशली प्रतीक गांधी को, उनका पहला ही सीन आता है और काफी अच्छा था वो कॉन्वर्सेशन जो पारिक फैमिली और प्रतीक गांधी के बीच में जो होती है। तो ठीक है, मूवी वन टाइम वॉच के हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, नहीं फॉलो करते हो खिचड़ी को, तो इस मूवी से दूर रहना। कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू, कमेंट बॉक्स में आप मुझको बता सकते हो। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।